नमस्कार। आप सबको पता है कि कल मुझ पर एक सरकारी विभाग के द्वारा दमन मामलेदार की ओर से एक कंप्लेन की गई कि हमने मरवड़ गांव के दलवड़ा गांव पर, मरवड़ विलेज के प्रमुख ग्राम पंचायत में जो विस्तार दलवड़ा है, उसका जो सर्वे नंबर है 279, जिसपे अवैध कब्जा करके जय जलाराम पीड़ाग्रस्त गौशाला बनाई है। क्या बनाई है? पीड़ाग्रस्त गौशाला। वो प्रशासन की ओर से, दमन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहा जा रहा है कि ये गौशाला अवैध है। तो ये गौशाला अवैध है तो कौन सा नंबर की गौशाला अवैध है वो हम लोग यहाँ पर बताने के लिए आ रहे हैं कि कौन सी जमीन है, कि ये जो 279 नंबर है, ये जमीन जो है, गौशाला जो है, वो किस प्रकार की है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन सी सेवा करते हैं या मेवा खाते हैं, वो आपको बताने के लिए हम यहाँ पर आपको लाए। एक्चुअल में ये जो गौशाला है वो ये गौशाला है जिसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये गौशाला में हम लोग क्या सेवा करते हैं वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इंस्टाग्राम पे, ये मुझे तकलीफ आ रही है तो इंस्टाग्राम बंद है और ये हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो गौशाला है वो ये गौशाला है, ये आज आप सबको देखना चाहिए कि हम लोग 279 नंबर की जो सरकार कह रही है कि ये गौशाला अवैध है, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं। ये है गाय माताओं के लिए जो एक्सीडेंट होती है रास्तों पे, हमें फोन आते हैं तो ये गौशाला की एम्बुलेंस है जिसके जरिए कॉल करते ही हम लोग वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। ओके बराबर है। और हम लोग इस गौशाला में हम लोग आए, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो गौशाला है जिसकी माए नहीं है उसको हम लोग यहाँ लाते हैं, उनको दूध पिला के देखते हैं। बच्चा है जिसको बेचारे को माता नहीं है और इस दिशा में पड़ा हुआ है कि वो देखो उसके पाँव में बहुत बड़ी गंभीर इजा हुई और उसको हम हमारे जो गौ सेवक हैं वो उसको पिला रहे और ये हमारी गौ माताएं हैं जो लिख के यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारी गौ माताएं हैं जो पूरा रूप से अपाहिज है और जिनके पाँव आप देखेंगे तो बेचारे, ये हमारी जो गौ माता है उनके पाँव तक नहीं है और इनकी हम यहाँ पर, ये जो गौ माता है उनके लिए ये सात ऐसी हमारे पास गौ माता है जिनके पाँव एक पाँव पूरे तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो हम लोग इस गौशाला में उन गांवों के भी यहाँ पर सब कोई आता है और यहाँ पर गौ माता की सेवा का जो रूप है, यहाँ जो गौ माताओं के रख रखाव है उसकी सब कदर करते हैं, तारीफ करते हैं। तो आज आपको हम कहना चाह रहे हैं ये गौ माताओं का जो रख रखाव है वो यहाँ पर होता है। एक महीना वहाँ पर अभिषेक का कार्यक्रम रखा था, उस बीच में हम पंडित जी के साथ बैठते थे। आपको पता होगा कि दलवाड़ा जो है वो वासुकीनाथ मंदिर के सामने से ही एक औद्योगिक इकाई है भारत पाइप, ये वो हमारा कड़िया इंडस्ट्री से वहाँ से आवन जवन होती है। पहले तो कोस्टल हाईवे भी नहीं था तो दमन की जितनी भी इंडस्ट्रियल गाड़ी है जो भारत पाइप की ओर जाती थी या कड़िया इंडस्ट्रीज की ओर जाती थी तो ये वासुकीनाथ मंदिर के सामने से ही जाती। तो क्या होता था, हम लोगों ने बाजू में
मंदिर के बाजू बासुकीनाथ मंदिर के पीछे में ये रणछोड़ भाई कालिदास करके है, उनकी जमीन 4 गुंठा जमीन को भाड़े से 5,000 के भाड़ा पर हमने लिया ताकि ये बीमार गाय लाचार गाय है उसको उपचार करके भेज दिया जाएगा। वहाँ पर हम लोगों ने उपचार चालू किए तो ये उपचार में देखा तो 4-5 गाय ऐसी आ गई कि जिनके पांव बिचारे के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो। अब उसको अच्छा करके हम लोग वापस कैसे छोड़े, कहाँ छोड़े, तो हमने सोचा कि ये गौशाला को हम लोग बढ़ाते आगे, ये सेवा को देखते देखते लोग जुड़ते गए और ये गौशाला एक गाय से लेकर 37 गाय हो गई, क्योंकि पूरे दमन से फिर तो फोन आने लगे कि यहाँ गाय का अकस्मात हुआ है, यहाँ हुआ है, और लोग दौड़ दौड़ के गाय को यहाँ लाने लगे, गौ सेवा वाले जुड़ने लगे, हमारे राजस्थान के लोग इससे जुड़ गए। तो वो 4 गुंठा जमीन बहुत छोटी लगने लगी, तो हम करें क्या, तो हम लोगों ने सोचा कि मरोड़ पंचायत में यानी हमारे दलवड़ा गांव में ये 279 सर्वे नंबर जो है वो तालाब था, जहाँ पर इतना अच्छा तालाब को वो पूरा कूड़ा बना दिया था, यहाँ पर मरे हुए कुत्ते बिल्लियाँ जानवर उसको डाला जाता था, और ये तालाब में इतने सारे जंगल थे, ये तालाब किसी भी प्रकार का उपयोग में नहीं था। तो हमने मरोड़ पंचायत के सरपंच और वहाँ के हमारे जो सोमा भाई हमारे मित्र हैं उनकी धर्मपत्नी सरपंच थी, तो हम लोगों ने उनसे चर्चा की तो उन्होंने बोला कि उमेश भाई चलो ये गौशाला को इस 279 पर हम लोग स्थानांतर करते हैं, और यहाँ पर मरवोड़ ग्रुप ग्राम पंचायत द्वारा पूरा कंपाउंड वॉल बनाया गया, मरवोड़ पंचायत द्वारा ही ये पूरा ग्राउंड को तालाब से मिट्टी लाके 1200 गाड़ियाँ हमने भरी थी। फिर यहाँ पर हमारे राजस्थानी मित्र मंडल के लोग मरोड़ पंचायत के लोगों ने मिलकर एक सेट डाला था, बराबर है, भानुशाली लोग, फिर महाराष्ट्र के लोग, वो सारे लोग बेचारे यहाँ से जुड़े। फिर हम लोगों ने एक बनाया तो किसी दाता ने दूसरा बनाया, और पंचायत से मरोड़ पंचायत से लगभग 3-4 लोगों की या कर्मचारियों की पगार ऑफिस से लाती थी। मैं तो ये कहता हूँ मरोड़ पंचायत ने ही यहाँ पर आदमी रखी। फिर हुआ ये कि काफी साल लोगों की पगार मिली, सैलरी मिली कर्मचारियों की जो गौशाला में काम करते थे, पर अचानक 2-3 साल पहले जितनी भी पंचायत है उनके कर्मचारियों को जो सफाई कर्मचारी थे उसको प्राइवेट करवा दिया गया, किसी एजेंसी को दे दिया गया, तो मरोड़ पंचायत के जो कर्मचारी थे वो प्राइवेट एजेंसी में चले गए, तो हमारी सैलरी जो कर्मचारियों को मिलती थी वो बंद हो गई, वो कर्मचारी वापस लिए गए। यहाँ पर हम लोगों ने मामलेदार SS ठक्कर को मैंने पत्र लिखकर, मैंने उनको फोन किया, मैं उनको पत्र लिखकर उनके पास मिलने गया, मैंने कहा ये जो दलवाड़ा की जय जलाराम गौशाला है वो पीड़ाग्रस्त गौ माता की सेवा होती है, आप लोगों ने देखा है, संदीप कुमार जी आए, राकेश मीना जी आए, इसमें कितने पुलिस कर्मी आए, DPT कलेक्टर आए, बार बार आते थे यहाँ। तो हमने कहा कि साहब हमसे ये गौशाला नहीं चलाई दे, क्योंकि बिना पैसे के दान दक्षिणा के क्या कैसे चलाए। SS ठक्कर जी को आज भी दिल पे हाथ रखवा कर पूछिए उन्होंने क्या बोला, देखो उमेश भाई ऐसा गजब मत करो, गौ माताओं की आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो और गौशाला सरकार की ओर से नहीं चल पाएगी, आप लोग एक काम करो ऐसा मत करो, आप ही चलाओ। तो हम लोगों ने तो उनकी बात की, उनकी इज्जत करके और एक हिंदू होने के नाते, एक गौ भक्त होने के नाते मेरे क्या जवाब देंगे, गौ माताओं की सलामती सुरक्षा हमारी जवाब देगी नहीं है। तो हम लोगों ने गौ माता की सेवा के अर्थ हम लोगों ने सबने गौशाला का अच्छी गौशाला बने उसके लिए यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया, मेहुल भाई जानी को बुलाया, दमन के सारे पॉलिटिशियन ये कथा में आए, तब के जिला पंचायत अध्यक्ष ने से लेकर इंडस्ट्रियल से लेकर हर अधिकारी यहाँ आए, और हमने लगभग 3-4 लाख रुपए इकट्ठा किए, वो भी हमने गौशाला को दे दिए कि भाई गौशाला चलाएगी। ये 2 लाख रुपए तो मैंने अपने खुद के दिए, चलो गौशाला कुछ, तो आज तक मैंने ये 12-14 साल हो गए मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गौशाला चलाता हूँ, क्यों, क्योंकि दान पुण्य करना सेवा करना ये कोई दिखावा नहीं है, होना चाहिए, वो दिखावट की चीज नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं मानव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, और मेरी जिम्मेवारी है कि मैं गौ माता की सेवा करूँ, मनुष्य की सेवा करूँ, पशु की सेवा करूँ, जानवर की सेवा करूँ, मेरा परम कर्तव्य परम धर्म है,
आज तक मैंने मेरे चुनाव में भी इस बात का इतना पब्लिसिटी नहीं ली क्योंकि ये गौ माता की सेवा कर रहा है, ये इस पे मैं राजनीति करूं। पर मैं आज इतने साल में हमेशा प्रफुल्ल भाई का विरोधी रहा और उनके कार्य जितने भी कार्य है उन जो भी कार्य पब्लिक विरोधी रहे उनका मैंने जमकर विरोध किया। पर इस बात के लिए प्रफुल्ल भाई पटेल का मैं धन्यवाद करता हूं भाई, उन्होंने ये प्रफुल्ल भाई के प्रशासन ने मेरे पे एक केस कराया और इसमें आप देखिए इसमें मेरा अकेले का फोटो और इसमें क्या लिखा है, ये मैं कहता हूँ एफआईआर नहीं है ना, पुलिस कंप्लेन है। हाँ पुलिस ने बाहर पाड़ी है और मामलेदार ने शिकायत दर्ज की है कि हमने वहां पर कोई घोषणा नहीं बनाई, हमने कोई पैसा नहीं दिया, तो उसके बेस पर एक एफआईआर हुई और पुलिस ने मेरे फोटो के साथ ये भेजा। उसमें क्या लिखा है, ये प्रेस नोट नहीं है, मेरा सर्टिफिकेट है। प्रफुल्ल भाई पटेल के प्रशासन द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है कि मैं बलवाड़ा के 279 नंबर की मरवड़ की जमीन पर, हाँ उन लोगों ने गैरकायदे से लिखा है, पर गौशाला चलाता हूं। कौन सी, वो भी पीड़ाग्रस्त। कौन लिख रहा है, प्रफुल्ल भाई का प्रशासन मुझे सम्मानित कर रहा है। और मुझे लगता है काफी लोगों को पता भी नहीं होगा कि उमेश भाई 14 साल से बीमार, असहाय, बेसहारा, लाचार, जो रोड पर अकस्मात होती है वैसी गौ माताओं की सेवा करता है। मगर प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल की वजह से आज जन जन को पता चलेगा कि उमेश भाई 14 साल से गौ सेवा के कार्य में लगे हुए थे। तो प्रशासक प्रफुल्ल भाई और आपकी टीम का धन्यवाद है। चलिए एक्चुअल में ये तो आपकी काम था, आपका प्रशासन का काम था, सरकार का काम था। आप लोगों के हुआ नहीं। आज 5000 के लगभग दमन में गौ माता है, गौ वंश है, जो रास्ते पर आवारा पशु बन के घूम रहे हैं, बेबस है, लाचार है, जाए तो कहां जाए। आज वो प्लास्टिक कूड़ा कचरा खाकर हमारी गौ माता है अपना जीवन नष्ट कर रही है। हमारी माता आज केवल आवारा पशु बन गई है। हम क्या कर रहे हैं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, आप जिसके चेले हो, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और वो मोदी जी जहां से आते हैं वो आरएसएस संघ हिंदू विचारधारा का पक्ष है, जो गौ माता को राष्ट्र पशु बनाने के लिए, राष्ट्र गौ माता बनाने के लिए अविरत काम कर रहा है। और वो हिंदू विचारधारा वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपको मार्गदर्शन देकर भेजा था, तो आपका प्रशासन क्या कर रहा है, गौ माता की सेवा करना के बदले गौ माता की सेवा करने वालों को परेशान करने हेतु झूठी झूठी फरियादें कर रहा है। खुद तो करता नहीं है, खुद प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, मगर जो कर रहा है उसको भी दबाने के लिए, डराने के लिए, साजिश रचकर झूठी झूठी फरियाद कर रहा है। झूठी झूठी फरियाद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मामलेदार ने जो फरियाद की उसमें उन्होंने लिखा कि ये 279 की जमीन जो है वो सरकारी जमीन। हम कहां मना कर रहे हैं। इसमें क्या मैंने मेरा घर बनाया है, मैंने कोई दुकान बनाई है, मैंने कोई अपना धंधा सेटअप किया है, कोई इंडस्ट्रीज लगाई है? अरे ये गौशाला तो केवल और केवल रास्ते पे बीमार लाचार गायों को हम लोग यहाँ पर लाकर उसकी सेवा करते हैं। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लोगों की, गौ माताओं की सेवा है। तो आपने ऐसा लिखवाया, मामलेदार ठक्कर जी ने उनसे लिखवाया गया होगा क्योंकि मैं एसएस ठक्कर को पूरी तरह से जानता हूं कि गौ
गौशाला है उनके ध्यान में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खुद ऐसे ठक्कर जी, ये 2 साल पहले ये पूरे गौशाला का 279 नंबर जो है वो सर्वे करने आए, खुद उनकी टीम के साथ ये जमीन का जो ये जो 279 प्लॉट है उस पे जो अतिक्रमण हुआ था खेडूतों का, वो दूर करके उन्होंने ही ये फेंसिंग कराई, उन्होंने ही ये रास्ता दिलाया। तो क्या हमको ध्यान में नहीं था? ग्राम सभा में हम लोगों ने आवाज उठाई, बोला कि ये गौ माता के लिए ये सुविधाएं करनी है, तो जिला पंचायत ने, BDO ने, कौन, प्रेमजी मकवाणा ने ये टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण कराया। जब मरवल पंचायत ने पगार बंद किया और हमने फरियाद की, तो प्रेमजी मकवाणा ने ही CSR, वो कह रहे कि CSR से, तो CSR से ये कर्मचारियों के 6 लोगों के पगार वो BDO के माध्यम से। और साथ हमने जो गौशाला के लिए आवाज उठाई, तो ये 2 टेंडर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जिला पंचायत द्वारा निकाले गए टेंडर का मैं कॉपी बोल देता हूँ, टेंडर नोटिस 41/2021-22, जिसमें काम का नंबर है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, 4 लाख की कॉस्ट है, 4,70,000, जिसका टेंडर के सहित बनाया गया दमन में, हमारे गौशाला में, गौशाला का नाम लिखा है इसमें कि भाई गौशाला दलवाड़ा एट मरवड़ ग्रुप ग्राम पंचायत धनी दमन, इसमें एक काम। ये दूसरा टेंडर है जिसके टेंडर नोटिस है 28/21-22, बराबर है, उसमें क्या क्या काम है, तो कैटल के लिए जो तीन शेड बनाए गए, कितने लाख के, अप्रोक्सीमेटली 13-12 लाख, कहां से, जिला पंचायत के माध्यम से 12-13 लाख के शेड बनाए, भारत सरकार की एजेंसी जिला पंचायत की ओर से बने, साथ में ये 3 लाख के लगभग का यहां पर पानी का वो भी बनाया। कौन बनाया? तो जिला पंचायत ने बनाया। अब मुझे इस बात के लिए बोलना पड़ रहा है, प्रेमजी मकवाणा से मेरी बार बार बात हुई, उनको मैंने मैसेजेस किए, मेरे मैसेजेस मेरे मोबाइल में है, जो इसमें दिखाता मैं वो मैं निकालना भूल गया। ये गौशाला उनके ध्यान में थी, उनके नजर में थी, आप लोगों ने ही सबको, तो अतिक्रमण हुआ कैसे, किसने अतिक्रमण किया भाई? आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अतिक्रमण किसे कहते हैं? आज दमन जी और दादरा नगर हवेली में आपने देखा होगा, जब किसी प्लॉट पे, किसी सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा होता है, तो हमारा प्रशासन क्या करता है, उसको नोटिस देता है कि भाई ये सरकारी जमीन है, इस पे आपका जो अवैध काम है उसको तुरंत हटाओ। या तो प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी आता है, पंचायत के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आप इसी अतिक्रमण को हटा दीजिए, आपकी जिम्मेवारी है कि आप हमें एक नोटिस भेजे। आपने नोटिस नहीं भेजा, आपने कोई चर्चा नहीं की, सीधा एफआईआर, आप लोग एफआईआर करो सीधा, किस लिए? हमने क्या किया है भाई कि ये गौशाला बनाई, वो हमारा अवैध गैरकायदे सर, ये हमारा पाप है कि हम लोग बीमार लाकर गायों की सेवा करें। उनको चाहिए था कि मुझे एक नोटिस तो देते, मुझे सुनते तो सही। मैंने वहां पुलिस को दिखाया कि ये देखिए ना भाई, ये टेंडर भारत सरकार के, हमारी जो दमन की जिला पंचायत उसके द्वारा निकाले गए, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। मुझे और निर्दोष बिचारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को पूरे दिन बिठाया रखा, 2 दिन तक गौ माता है भूखी रही, क्या क्या बिगाड़ा था गौ माता उन्हें आपका? आपकी जवाबदेही आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि, मैंने तो खुद कहा कि गौशाला आपकी क्यों चलाना है। मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पर एक 12 साल में, पहला 4 साल मैंने बहुत मेहनत किया, उसको खड़ा किया, बीच में तो मैंने ये पूरी गौशाला यहाँ के प्रबंधक को ही दे दी कि आप चलाइए, हमारे पास टाइम नहीं है होता,
मैं पॉलिटिकली आप जानते हो कि मैं चुनाव लड़ा तो मैं उसमें इन्वॉल्व था। फिर अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि गौ रक्षा मंच और ये गौशाला के बीच में मतभेद हो रहे हैं, यहाँ का जो प्रबंधक था। फिर हमने देखा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं था तो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया चालू की, यहाँ का अकाउंट नहीं था बैंक अकाउंट, तो हमने एक गौ रक्षा मंच से एक व्यक्ति लिया, एक मोरोड़ पंचायत से के लोगों द्वारा रिकमेंड किए गए व्यक्ति को लिया, एक मेरे नाम से, हमने तीनों ने मिलकर एक गौशाला के नाम से, जय जलाराम गौशाला के नाम से गोवा बैंक और एक्सिस बैंक में खाता खोला। अरे गोवा बैंक में जाइए तो सही आप, जहाँ पर हमारे कीर्ति भाई रातड़ा जी, नितिन भाई बालू भाई पटेल जो मरुड़ पंचायत से रिकमेंड किए गए थे, और दलोड़ा की ओर से उमेश भाई बाबू भाई पटेल को मेरा नाम मैंने रखा ताकि मुझे पता रहे कि गौशाला में किस प्रकार से होता है। मैंने वो वहाँ की चेकबुक, मैंने उनका ATM कुछ यूज नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर कैसे हम लोगों के फूट होते, तो स्कीम लाए कि हम लोग ऐसी गोबर को वेस्ट कर देते थे। हमने बोला कि जो गाय का एक गाड़ी गाय के लिए हमें घास देगा, चारा देगा, उसको एक गाड़ी हम लोग गोबर देंगे। आज आप देखो तो हमें काफी लोगों के फोन आ रहे कि भाई हमारा पुरिया ले जाओ, ये ले जाओ। हम तो एक साल का पुरिया भी यहाँ बेगा करके, मैंने उनको बोला कि मैं दिसंबर तक ही आपकी सेवा करता हूँ। अब आप देखिए, एक मामलेदार मेरे खिलाफ FIR करता है और इस FIR में हम तीन लोगों का नाम है, साथ में प्रफुल्ल भाई पटेल, दमन कलेक्टर, जिला पंचायत के CO और इस केस के आयो जय पटेल को भी लेटर लिखा, भेज रहा हूँ दोनों को, तो इनको तो मैंने भेज दिया। इस लेटर में लिखा है कि गौशाला जो है उससे मैं खुद ही अलग होना चाहता हूँ। मुझे ये कोई शौक नहीं था, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इस गौशाला का कोई दुरुपयोग करूँ। मैंने कभी राजकीय उपयोग नहीं किया, ना फंड फाड़ा मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ना मुझे चाहिए। तो मैं खुद इस गौशाला से मैं दूर हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ, क्योंकि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और उसका प्रशासन नहीं चाहता कि मैं गौ सेवा करूँ, और मेरी सेवा के चलते गौ माता को कोई प्रॉब्लम आए मैं नहीं चाहता। पर मैं बावजूद ये गौशाला फरियाद की है और ये मामलेदार की झूठी फरियाद की वजह से पुलिस विभाग ने केवल मेरा अकेले का फोटो के साथ प्रेस नोट भेजकर अखबारों में मेरी खबर छुपाई है, जिसके चलते मेरी सामाजिक बदनामी हुई है, मेरी गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया है, साथ ही मेरी सामाजिक छवि के साथ साथ मेरे राजकीय कैरियर को खत्म करने का प्रयास किया गया है। इस पर मामलेदार से मैंने अनुरोध किया कि तुरंत माफी मांगे और ये झूठी FIR वापस ले, क्यों नहीं ली तो मैं उस पर मानहानि का और दूसरे कानूनी कार्यवाही करने के लिए विवश हो जाऊंगा और रूप से माफी मांगू। और लोगों को भी इस बात से मैं संज्ञान कराना चाहता हूं कि मैंने ये गौशाला बनाई, हाँ मैंने बनाई थी गौशाला, और गौशाला गौ माताओं का सेवा करना अगर अपराध है तो वो अपराध मैंने किया है, और एक बार नहीं ऐसा अपराध मैं बार बार करूंगा। अगर गौ माताओं की सेवा करना, रक्षा करना, सलामती देना अगर अपराध है तो करने के लिए तैयार हूँ। सेम मुझे पुलिस क्या एक दिन बिठाएगी, अगर फांसी पे भी चढ़ा दे गौ माता के लिए तो मैं गौ माता के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। पर गौ माता पे और गौशाला पे कोई जुड़ेगा नहीं, तो मुझे और मेरे जैसे लोगों को आप दूसरे केसों में फंसाइए, फांसी चढ़ा दीजिए, पर ऐसे केसों से हमें दूर रखिए। धन्यवाद।